एवरीवन, वेलकम टू वॉलकिन स्टोर। इस वीडियो में आज वॉलकिन स्टोर का मिरर ड्यूअल अलार्म क्लॉक विद ब्लूटूथ स्पीकर के फीचर्स के बारे में और इसको कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में दिखाएंगे। तो ये है वॉलकिन स्टोर का मिरर ड्यूअल अलार्म क्लॉक विद ब्लूटूथ स्टीरियो स्पीकर। ये बॉक्स को जब ओपन करेंगे अंदर एक क्लॉक मिलेगा, उसके साथ ये बॉक्स में डेटा केबल मिलेगा जिससे चार्ज दे सकते हैं और एफएम को चला सकते हैं, और एक मैनुअल भी मिलेगा। तो ये है क्लॉक। ये क्लॉक को जब ओपन करेंगे आप लोग देखेंगे कि ये मिरर फिनिश है और एक ही क्लॉक में आप लोगों को अलार्म क्लॉक, ब्लूटूथ स्पीकर, एफएम चैनल, मोबाइल होल्डर, टेम्परेचर डिस्प्ले, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो मैं एक एक करके सारे फीचर्स को मैं डिस्क्राइब करूँगी और कैसे ऑपरेट करना है वो दिखाऊँगी। तो पहले है ये ऑन लिखा हुआ जो बटन है, उसको ऑन करने से पावर ऑन होता है क्लॉक का, तो क्लॉक चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ मोड, ये हो गया, क्लॉक चालू हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि इधर बीटी लिखा हुआ ये ब्लिंक कर रहे, जो बीटी लिखा है ये ब्लिंक कर रहे, मतलब अभी कोई भी डिवाइस के साथ आप क्लॉक को कनेक्ट कर सकते हैं और जब भी कनेक्ट हो जाएगा ये बीटी ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो ऐसे होता है और इसको दोबारा से जो प्रेस करेंगे तो ये क्लॉक ऑफ हो जाएगा। और सेम बटन से आप लोग कोई भी कॉल को जब भी मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, मोबाइल में कोई कॉल आएगा तो ये ऑन ऑफ बटन से आप लोग कॉल को आंसर भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिरर क्लॉक को मिलने के बाद आप लोगों को 5 आवर्स तक फुल चार्ज देना है। तो अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ करेंगे, जैसे ओनली क्लॉक यूज़ करेंगे, तो ये आराम से 1 वीक तक चल जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ करने के बाद अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज घटता है, तो इसमें थोड़ा कम चलेगा। तो 5 आवर्स तक चार्ज देंगे तो फुल चार्ज तो हो ही जाएगा, लेकिन जब भी चार्ज थोड़ा कम होते जाएगा और ख़त्म ही होने वाला है तो ये क्लॉक ऑटोमेटिकली वार्निंग देता है, जैसे प्लीज़ चार्ज बिफोर यूजिंग इट। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी क्लॉक को चार्ज देना है। तो इस अभी मैं दिखाऊंगी कि इसमें मोड कैसे चेंज करते हैं, जैसे क्लॉक मोड, एफएम मोड, ब्लूटूथ मोड, ये सब मोड है कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो मोड लिखा हुआ बटन है, एम लिखा हुआ, इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने से एक एक मोड आएगा, जैसे मैं दिखाती हूँ। ब्लूटूथ मोड, ये हो गया ब्लूटूथ मोड। तो अभी बीटी ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं एक बार कनेक्ट कर लेती हूँ इसको। This has been connected. मतलब अभी बीटी ब्लिंक करना बंद हो गया, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया मोबाइल के साथ। तो इसमें मैं एक वीडियो या फिर कोई म्यूजिक प्ले करके आप लोगों को सुनाती हूँ। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप लोग आसानी से वीडियो या म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए ऐसे प्ले होगा और इसका स्पीकर क्वालिटी भी आप लोग सुन सकते हैं कि कितना अच्छा है। और ये जो 2 बटन है, इससे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और कोई भी वीडियो या म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अभी इसमें एफएम को कैसे ऑपरेट करना है वो मैं दिखा देती हूँ। इससे पहले आप लोगों को एफएम मोड में जाना पड़ेगा। ये सेम एम लिखा हुआ बटन से आप मोड चेंज करेंगे। एफएम मोड, एफएम मोड में आ गया, अभी मैं दिखा देती हूँ। और इसमें एफएम को चलाने के लिए आप लोगों को ये डेटा केबल को लगाना होगा क्लॉक के साथ। ये अटैच हो गया डेटा केबल। मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देती हूँ। ये जो ऑन लिखा हुआ बटन है, इससे क्या होगा, एक बार प्रेस करेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं कि आपके आसपास जो भी एफएम चैनल है क्लॉक इसको सर्च करना शुरू कर देगा।
अभी इसको स्टॉप करना है, जब भी कोई गाना बजेगा मतलब कोई एफएम चैनल को क्लॉक सर्च किया है। अभी ये जो दो बटन है इससे आप लोगों को चैनल तक पहुंचाना है। ये हो गया 92.7 एफएम में, ये हो गया। अभी मैं साउंड को थोड़ा बढ़ा देती हूँ। तो आप लोग ऐसे आसानी से कोई भी एफएम चैनल को सर्च करके ये एफएम चला सकते हैं क्लॉक में। और एक बात है कि बहुत अंदर का अगर कोई एरिया हो उसमें एफएम डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं और एक बार बता देती हूँ, पहले आप लोगों को डेटा केबल को अटैच करना है, उसके बाद ये बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लॉक ऑटोमेटिकली एफएम को सर्च करना शुरू कर देगा। फिर जब भी कोई एफएम आएगा, फॉर एग्जांपल 92.7 आया, तो उसमें और एक बार ऑन बटन को प्रेस करना है। करने के बाद ये P0102 करके आएगा, तो इससे चेंज कर सकते हैं। जब भी आ गया, अभी स्टिक करेंगे उसमें तो एफएम चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग एफएम में एफएम को चला सकते हैं। ये जो फिफ्थ बटन है ये ब्राइटनेस का बटन है, इससे ब्राइटनेस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। जैसे मैं दिखा देती हूँ, इसको क्लिक करने से देखिए ये ब्राइटनेस कम हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है ब्राइटनेस। ऐसे आप लोग ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं ये बटन की हेल्प से। अभी जो और एक फीचर है अलार्म क्लॉक, उसको कैसे सेट करना है मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे अलार्म को और क्लॉक को सेट कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो सेट लिखा हुआ बटन है इसको प्रेस करना होगा। अभी क्या होगा कि आप लोग जब देखेंगे ये अलार्म, ये सेट बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें साइन आएगा, ये क्लॉक वन विजिबल होगा, मतलब एक नंबर क्लॉक में अलार्म सेट होगा। फिर से इसको प्रेस करेंगे तो क्लॉक टू विजिबल होगा, मतलब दो नंबर क्लॉक में अलार्म सेट होगा। और एक बार प्रेस करेंगे तो दोनों क्लॉक विजिबल है, मतलब दोनों अलार्म सेट हो गया। और एक बार प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों जो क्लॉक है उसका साइन इनविजिबल हो गया, मतलब अभी नॉर्मल टाइमिंग दिखा रहा है। तो आप लोग चाहते हैं तो जब भी मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे क्लॉक को, तो मोबाइल का जो टाइमिंग है ऑटोमेटिकली क्लॉक वो टाइमिंग ले लेता है। और अगर मैनुअली आप लोग सेट करना चाहते हैं तो ऐसे क्लॉक में जाके सेट करेंगे, तो वो मैं दिखा दूंगी कैसे सेट करना है अलार्म को और क्लॉक को। तो अलार्म को सेट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने क्लॉक वन में इसको सेट करूंगी। प्रेस किया, क्लॉक वन आ गया। अभी इसको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो आवर का डिजिट है ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब अभी ये आवर का डिजिट को मैं चेंज कर सकती हूँ। चेंज करने के लिए ये बटन को दबाना पड़ेगा इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, तो मैं दिखा देती हूँ। ये आवर मैं 12 भी रखती हूँ। अभी ये मिनट का जो डिजिट है वो ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब मिनट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 12:41 PM में अलार्म को सेट कर लिया। अभी इसको और एक बार प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि रिंग टोन, जो अलार्म टोन होगा वो वाला सेट होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे करके अलार्म टोन चेंज होगा। तो L5 में मैं इसको रखना चाहती हूँ, इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो मतलब ये क्लॉक वन में अलार्म सेट हो गया। मैं दिखा देती हूँ कौन सी टाइमिंग में हुआ, 12:41 PM में अलार्म सेट हुआ। अभी 12:39 है, तो ये 12:41 में अलार्म ऑटोमेटिकली रिंग होगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले भी होगा कि हर दिन का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली शो करेगा। ये देखिए 34.8 डिग्री सेल्सियस ये दिखा रहे हैं, मतलब आज का टेम्परेचर 34.8 डिग्री सेल्सियस है।